भरतपुर के पूर्व राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह पर अत्याचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए दिव्या सिंह और अनिरुद्ध ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिव्या ने कहा कि वह पिछले 3 साल से चुप थी, लेकिन अगर उन्होंने मुंह खोला तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने इनका बिगड़ा हुआ घर संभाला और आज ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे विश्वेंद्र सिंह ने घर का कारपेट तक बेच दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उनके पिता उन्हें और उनकी माँ को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे मोती महल को बिकने नहीं देंगे। उन्होंने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि वे अपनी विरासत बेच रहे हैं और बताया कि 1995 के बाद से लगातार प्रॉपर्टी बेची गई है। मार्च में विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी भरतपुर को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है और उन्हें खाना तक नहीं देते, इसलिए उन्होंने हर महीने 5 लाख रुपए के भरण पोषण की मांग की थी। दिव्या सिंह ने बताया कि यह मामला 3 महीने पुराना है और अब जब SDM निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं तो उन्होंने मीडिया में यह प्रकरण लीक किया है। उन्होंने कहा, ये 15-20 लोगों से कुछ भी बकवास छपवा देते हैं। मेरे साथ 33 साल से अत्याचार हो रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्हें घर, काम धंधा, परिवार और सोशल लाइफ संभालनी है, जबकि उनके पिता के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब बताएंगी कि इन्होंने अपने पिता के साथ क्या सलूक किया था। इस प्रॉपर्टी विवाद ने भरतपुर के पूर्व राज परिवार की आंतरिक कलह को सार्वजनिक कर दिया है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़िग है और यह मामला अब एक गंभीर पारिवारिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। 33 साल निकाले हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत रक्षा करी, सुरक्षा करी, घर चलाया है और बहुत कुछ सपोर्ट किया, साथ में रही, पर आज अचानक क्योंकि आपकी मोती महल बेचने की बात पकड़ ली गई तो आज इतना बवाल हो गया और लोगों से कह दिया कि साहब मेरे बेटे के खिलाफ निकालो। आज मैं पहली बार निकल के आई हूँ आप मीडिया के सामने, कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा मीडिया के सामने। महाराज, सूरजमल जी की मूर्ति लगाने से और पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खेलने से और पीछे से सारी उनकी छोड़ी हुई विरासत को बेचना, ये कहाँ की डायकोटोमी है, जरा उनसे कोई पूछे। सो दिस इज द अपडेट, इसके आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, हमारी लीगल टीम ने इसके आगे पत्रकार है, खुद पता कर लीजिए कि महाराज सूरजमल से लेके नीचे तक कितनी प्रॉपर्टीज थी और आज क्या रह गई है। आप चाहें तो मैं आपको कागज भी निकाल के दे सकती हूं। रियासत का जब सरदार पटेल साहब ने एकीकरण किया तो एक कोवेनेंट साइन हुआ, उस कोवेनेंट में कितनी प्रॉपर्टीज थी और सन 1995 के बाद बेच के अब कितनी रह गई प्रॉपर्टीज, दिल्ली की प्रॉपर्टी, आगरा की प्रॉपर्टी, मथुरा का मंदिर, ये सब कहां है, ये उनकी छतरियां चली गई, छतरी जहां पर हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं गोवर्धन में वो चले गए। हम एंटरटेन करे जाएंगे, ये मैं आपको पहले कह दूं इस बात। अच्छा, आज सुबह राजस्थान पत्रिका ने एक स्टोरी कैरी करी है इन दी सेंट्रल एडिशन, जिसमें इंटरनल भरतपुर रॉयल फैमिली के डिस्प्यूट के बारे में हाईलाइट किया गया है। इसके कुछ तथ्य हैं जो हम लोग अभी तक छुप रहे हैं, लेकिन अब मैं इनको बाहर निकालना चाहता हूँ। पहली बात तो आप नोट करेंगे, ये मैटर सब इट इज अंडर द एसडीएम्स परव्यू, तो हम लोग इसमें ज्यादा कमेंट और टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। मुझे एसडीएम साहब पे पूरा विश्वास है कि एसडीएम साहब भरतपुर बिल्कुल निष्पक्ष इस बात इस केस पे अपना क्या कहते हैं वो लेंगे, निर्णय लेंगे। जुडिशरी पे टोटली विश्वास, पूरा विश्वास है एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ है कि पहली बात तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो मैटर है ये दाखिल आज या कल नहीं हुआ है, ये 6 मार्च को एसडीएम कोर्ट में गुजारिश इसकी लगा दी गई थी। 6 और 14 मार्च या 15 मार्च को इस मैटर की पहली तारीख थी एसडीएम कोर्ट में, तो ये मैटर कोई नया नहीं है, 2-3 महीने पुराना हो चुका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसमें मैटर में ये देखिए कि पेटिशनर कौन है और रिस्पोंडेंट कौन है। पेटिशनर वो है जो भी इश्यूज हैं उनको बाहर लाने के लिए वो पहले एसडीएम कोर्ट में गए, हम लोग किसी कोर्ट में गए, तो द अदर साइड इज द पेटिशनर एंड माय मदर एंड आई आर द रिस्पोंडेंट्स। प्लीज इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि इस मैटर की कई तारीखें हुई हैं, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि एसडीएम ऑफिस पधार के और इस मैटर की पत्रावली निकलवा लें, बिल्कुल पत्रावली निकलवाइए, बिकॉज पत्रावली निकलने के बाद
आपको पता चलेगा कि हमारी साइड से हर अपीयरेंस पे लॉयर गए हैं और हम लोगों ने ये मैटर बहुत प्रोफेशनली किया है। हर अपीयरेंस में लॉयर्स वहां पहुंचे हैं लेकिन इनकी यहाँ इस तरफ से कोई नहीं आता है और हर बार वो तारीख अगली पे अगली तारीख बताती जाती है। तो इनकी साइड से बहुत ही अनप्रोफेशनली ये मैटर हैंडल हो रहा है। सेकेंडली इतनी बहस हो चुकी है कि अब एसडीएम साहब कंक्लूड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी बहस हो चुकी है कि एसडीएम साहब कंक्लूजन की स्थिति पे है। आई हैव द हाईएस्ट फेथ इन द एसडीएम्स एबिलिटी टू टेक अ जजमेंट फेयरली।